सिंघाना की रेलवे कॉलोनी के पास दिव्यांग का घर व सामान जलने के बाद मदद करने को पहुंचे भामाशाह। सिंघाना की रेलवे कॉलोनी पास स्थित संदीप नट के घर रविवार को आग लगने से पूरा घर जलकर राख हो गया, जिससे घर का पूरा सामान भी जल गया। यहां तक कि परिवार को खुले आसमान में नीचे रहकर अलाव के सहारे रात काटनी पड़ी। सोमवार को भाजपा मंडल सिंघाना के समाज सेवी मुकेश सैनी व युवा भाजपा कार्यकर्ता विकास बाटलोठिया सूचना पर पहुंचे तो उन्होंने दिव्यांग के घर पहुंचकर सामान उपलब्ध करवाया। मुकेश सैनी ने बताया कि वार्ड मेंबर पवन मीणा ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को सूचना दी। मजदूरी करने वाले एक आशी दिव्यांग का पूरा घर जल गया, जिसको कोई मदद नहीं करने आया। तब भामाशाह बनकर उनकी मदद करने के लिए सोमवार शाम को भाजपा कार्यकर्ता विकास बालोठिया के नेतृत्व में पहुंचे, जहां पर घर के लिए तिरपाल, चारपाई, गद्दे, कंबल व खाने पीने का सामान भी मदद की। इस सहयोग की मदद से आज संदीप और उसके परिवार को सर्दी के मौसम में बाहर नहीं सोना पड़ेगा और न ही भूखा सोना पड़ेगा। इसी तरह मुरादपुर निवासी अरविंद गरसा ने भी 2 रजाई उपलब्ध करवाई। इस मौके पर सिंघाना भाजपा मंडल अध्यक्ष सचिन गुप्ता, भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष दीपक नायक, महेश कुमार, राहुल नायक, विक्रम, अनिल पिचाणवा, पवन मीणा, बोजाज मीणा सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मालूम पड़ा कि एक दिव्यांग मजदूरी करने वाले इंसान के घर में आग लग गई और उसकी वजह से उसका सारा घर बार चौपट हो गया। तो हम लोगों ने उसकी सहायता के लिए उसके घर के लिए त्रिपाल, 2 चारपाई, बेडशीट, गद्दे, रजाई वगैरह, खाने पीने का सामान, सारी व्यवस्था उपलब्ध करवाई। किसी भी ऐसे इंसान को जिसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हमारी यही कोशिश रहेगी कि उसको हर संभव सहायता देने की कोशिश की जाए और उसको भूखा नहीं सोना। जो हमारे जीजा हैं अरविंद जी मुरादपुर से, उन्होंने फ़ोन करा मेरे पास कि ऐसे ऐसे कोई दिक्कत हो गई, तो मैं वहाँ से चिड़ाव से लेके भी यहाँ पे कोई हेल्प करने आया, तो उन्होंने भेजा मेरे को। क्या क्या दिया है? 2 रजाई है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में घर डालने के शहीद कुलदीप का तैल चित्र किया परिजनों को भेंट। तैल चित्र पाकर माता पिता की आंखें हुई नम। कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में CDS विपिन रावत के साथ राजस्थान के झुंझुनू जिले के घरडाना खुर्द के सपूत स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप राव भी शहीद हुए थे। देश के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले शहीद कुलदीप के पैतृक गांव घरडाना खुर्द झुंझुनू पहुंचकर जयपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी व संस्कृति कर्मी सुधीर माथुर व चित्रकार चंद्र प्रकाश गुप्ता ने शहीद कुलदीप का तैल चित्र शहीद के परिजनों को भेंट किया व परिवार की कुशलक्षेम जानी। इस अवसर पर कवि रोहित कृष्ण नंदन भी उपस्थित रहे। शहीद कुलदीप राव की बहन अबीता राव डिप्टी कमांडेंट नेवी ने अपने शहीद भाई कुलदीप राव का तैल चित्र देखकर कहा कि आपने इस तैल चित्र में भैया का जीवंत रूप चित्रित किया है। गौरतलब है कि चंद्र प्रकाश गुप्ता अब तक 275 से अधिक शहीद परिवार को अपने हाथ से बनाया तैल चित्र भेंट कर चुके हैं। कलाकार चंद्र प्रकाश गुप्ता की ये मुहिम कारगिल युद्ध से अनवरत रूप से जारी है। सिंघाना में गर्भवती गाय के लिए युवा समाज सेवियों ने दिखाई इंसानियत, इलाज के लिए भेजा नारनौल। सिंघाना में 2 दिन से गर्भवती गाय बीमारी से तड़प रही थी, जिसके लिए युवा समाज सेवी तरसुम सुबेदार, बलवीर सिंह सुबेदार, अमर सिंह, वेद प्रकाश, श्रीकांत, रतन सिंह, पवन मीणा, वार्ड पंच व समस्त मोहल्ले वासियों द्वारा चंदा इकट्ठा किया गया व गर्भवती गाय को गोमाता उपचार सेवा समिति नारनौल भेजा गया। क्षेत्र में दौड़ रहे हैं ओवरलोड डंपर, नियमों की उड़ा रहे हैं धजिया। खेतड़ी इलाके के खनन क्षेत्र में ओवरलोड डंपर नियमों की धजिया उड़ाते हुए चलते हैं। दिन और रात ओवरलोड डंपर बेरोक टक चल रहे हैं। ज्यादातर डंपर खनन क्षेत्र में डस्ट और पत्थर भरकर 2 थाना चौकियों सहित 2 थाना क्षेत्र से आगे से गुजरते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जानकारी के अनुसार यह डंपर भी रसूखदार के होने के कारण पुलिस भी इन पर हाथ लगाने से कतराती है, इसलिए इनको कोई डर नहीं है और ओवरलोड डंपर तेज गति से निकलते हैं।